सर हम मतलब आपके ऐसे वीडियोस देखे थे हमने यूट्यूब पे, जब हमने आपको कांटेक्ट किया, और 2 साल से हम आपको हर बार कांटेक्ट करते हैं. आपने जो प्रिडिक्ट किया लास्ट 2 इयर्स में, उसमें से 2 मेजर प्रिडिक्शंस जो कि हमारे लिए 100% सही निकले हैं, और हमें उम्मीद नहीं थी कि वैसा होगा. बट क्योंकि आपने जो भी प्रिडिक्शन किया था कि हाँ ये इस वक्त हो सकता है, टाइम और ईयर के साथ वो प्रिडिक्शन सही निकला, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल. और जो कि हमारा शायद बिलीव और स्ट्रॉन्ग करता है कि आप जिस तरीके से आप प्रिडिक्ट करते हो, दैट इज अ ट्रू वे ऑफ प्रिडिक्शन. ये आप सिर्फ 2 ही प्रेडिक्शन दी थी मैंने, वही ठीक हुई है या बाकी भी प्रेडिक्शन ठीक होने वाली है, मतलब क्योंकि मैंने आगे की दी हुई है या कोई गलत भी हुई है? नहीं सर, हाँ उस पर मैं बताऊंगा, आपने बहुत सारे प्रेडिक्शंस दिए, लेकिन आई थिंक विनीता ने ये बोलना चाह रही है कि जो 2 मेजर दिया आपने, जैसे एक हमारा ग्रीन कार्ड का प्रेडिक्शन था, एंड दैट वाज लाइक यू नो अ कपल ऑफ इयर्स बैक, हम लोग एकदम उम्मीद नहीं थी कि हमें ग्रीन कार्ड मिलेगा, इवन दो हम लोग यूएस में 15-16 साल से थे, और आपने 2016-17 वगैरह में बताया था कि आपको इस पर्टिकुलर ईयर में मिल जाएगा, आप चिंता ना करो, आपने ये बोला था, मैं आज भी याद है 5-6 साल की बात, और एग्जैक्टली वही हुआ, मतलब ऑलमोस्ट टाइम एग्जैक्ट ईयर आपने जो बताया वैसा ही हुआ। दूसरा एक और था, हमारी डॉटर कॉलेज जाने वाली थी, आपने जो उसके बारे में प्रडिक्शन किया वो भी 100% सही हुआ, डेफिनेटली उसने अपना एफर्ट डाला, हमने एज अ पेरेंट एफर्ट डाला, लेकिन आपका जो प्रडिक्शन था वो 100% सही हुआ वहाँ पे, थैंक्स फॉर द तो ग्रेटफुल, वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक्स फॉर द ग्रेटफुल। नहीं, मेरे लिए, मेरे को ग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये आपका होना ही था। मेरे को तो मतलब तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो प्रभु की इच्छा होती है या जो आपके फेट में लिखा होता है, होना वही होता, मेरे कहने से नहीं होता कभी, और मेरे कहने से क्या, किसी के कहने से नहीं हो सकता, वो आपके एफर्ट से, कर्म से, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कर्म से होता है, और कर्म से ही आप अपना जीवन खुद बनाते हैं, वैसे ही होता है। तो एक चीज और इसमें क्लियर होगी कि मैंने कोई आपको उपाय नहीं बताया था, यस, नहीं आपने तो कोई इसका उपाय मतलब नहीं तो ये चीज और क्लियर होती है कि उपाय से नहीं हुआ, बताया. और यही हम सभी लोगों को जो भी ज्योतिष में बिलीव रखते हैं और जो बिलीव नहीं भी रखते हैं वो भी सुन लें समझ लें बात, कि उपाय नाम से कोई चीज नहीं होती, जिससे होता है होता आपके अपने कर्म से, यही हमारा मैसेज है। तो जो लोग उपाय के चक्कर में ज्यादा फंसते हैं, जिसमें उपाय में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मेरे एक मैसेज और भी है कि हमारा मैसेज क्लियर है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, ये हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि होना हुई है वही जो राम रचि रखा, जो तुलसीदास जी ने कहा, बस दैट्स ऑल। ठीक है सर, यस थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द फीडबैक। अभी आपने इन दो हस्बैंड वाइफ को सुना, तो इन्होंने बताया कि 2 प्रेडिक्शन इनकी बिल्कुल सटीक हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो जो 2017 में मैंने इनको बताया कि इनका ग्रीन कार्ड फला महीने में 2021 में आ जाएगा, आ गया, बच्चे की एडमिशन जहां वो चाहती थी हो गई, बाकी प्रेडिक्शन भी जो इनकी हैं वो बिल्कुल टाइमली जैसा मैं बताता हूँ वैसे होती है। तो इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, इस एक और चीज छुपी हुई है कि जो होना होगा वो होके रहेगा, इसका मतलब है आपके अपने कर्म का ही फल है, जैसा आप करेंगे वैसा उसका फल होगा, और ये जो जोशी जो उपाय बेच रहे हैं कि ये हम बदल देंगे, ये चीज आपके सामने अब क्लियर हो जानी चाहिए। भगवान राम ने छुपके बाली को मारा था, तो भगवान राम ने ही बाली को कहा था कि जैसा मैंने कर्म किया है मुझे भी अगले जन्म में वैसा ही फल मिलेगा, और अगले जन्म में बाली ने भी के बाण से ही भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई। तो अब आपको चीज की क्लैरिटी होगी कि कोई सिस्टम है जो इस सृष्टि को चला रहा है, और इस सृष्टि को चलाने के नियम को पढ़ने का कोई तरीका भी है। अब वो तरीका आपने पढ़ना है, मैं उपस्थित हूं, मैं तो इसको 1998 से पढ़ा रहा हूं, उसकी बुक्स भी अवेलेबल है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सही तरीका है, आपकी इच्छा है। और ये चीज सिर्फ इन्होंने नहीं कही, ये जितने
मेरे क्लाइंट्स या मेरे स्टूडेंट्स के क्लाइंट्स वो भी यही बातें करते हैं। ये तो मैंने वीडियो बना ली दिखाने के लिए एज अ प्रूफ। और ये कपिल राज ने भी कहा अपनी वीडियो में, मैंने दिखाई थी पहले वो वीडियो, और वो वीडियो भी मैं इसके इंट्रोडक्शन में भी पूरी डाल देता हूँ। ये भी उमंग तनेजा टेलिंग मी ही इज वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स आर बॉट हियर, यू नो इज लाइक yeah, wait till your certain dasha starts. All your hopes and wishes will come true from that, starting that point. And talk about day one. No, not even day one. Talk about the first 20 minutes having your hopes and wishes come true when you see the guy people just go crazy after, you know, Michael Jordan. So, yeah, just I don't even know what to say right now.